वेलकम गाइस टू माय चैनल करण ब्लॉगर। नीचे स्क्रीन में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां पर फॉलो कीजिए मेरे को, साधारण स्पेस ब्लॉगर अंडरस्कोर ब्लॉगर। तो जाइए वहां पर, डेली केट मिलता है वहां पर, अपलोड करता हूं मैं। तो आज मैं जा रहा हूं केटिंग को सर्विस करने के लिए, तो झोका में तो वहां पर एक सर्विस सेंटर है, वहां पर जा रहा हूं, वहां पर ही करता हूं। तो देखते हैं पूरा इंटर कितना सर्विस कितना कॉस्ट लगता है, पूरा आपको दिखाऊंगा। उसके लिए वीडियो इंटर देखिए। तो पिछले ब्लॉग का जो मैं लॉन्च इवेंट में गया था रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 रिबॉन, तो वो लिंक भी इस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाकर देखिए। गाइस यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, डू सब्सक्राइब माई चैनल सरन ब्लॉगर एंड स्टे ट्यून टू इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हेन आई विल अपलोड एनी ब्लॉग यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और देखते केटीएम जो शुरू में ब्लॉग करने देता है कि नहीं, अगर ब्लॉग करने दिया तो वो तो पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज बारिश हो गया तो पूरा तो ब्लॉग भी नहीं होगा और पूरा बंद करना होगा कैमरा को, क्योंकि वाटरप्रूफ केसिंग भी नहीं ले आया। पिकअप मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत भरपूर के है पूरा पिकअप। सोचा था कि रॉयल एनफील्ड भी टेस्ट ले लूँ तो भी नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, कितना बारिश हो रहा है। तो क्या कर रहे हो गाइस, तभी देखो ब्लॉग को, देखो कैसा लगता है बोलो, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। आपका भाई कितना मेहनत कर रहा है तो थोड़ा तो देख लो मेरा ब्लॉग, और लाइक कर लो, शेयर भी कर लो, ज़्यादा लोगों को देखेगा। अरे बाप रे बाप, गाड़ी तो सबमिट हो चुका है, तो जॉब कार्ड भी शुरू हो गया, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और प्रॉब्लम भी बता दिया उसका, थोड़ा थोड़ी बड़ी क्लीन है और थोड़ा इंजिनल सभी चेंज होगा, पूरा कंप्लीट सर्विस होगा। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कितना सर्विस का कॉस्ट है, कितना लगता है। कूलन भी चेंज होगा, कूलन मेरे पास है, तो जैसे बोला पहले कूलन भी मेरे पास है, तो देखते हैं। আজিও দেখা নাই মই তাই কত আসিলে হদাই মোর সাইডত মোর ভাবে লিখে কবিতা সাড়ে পাঁচ বজার লগে লগে আমি ঘুরি ফুরু বাইকত আজিও দেখা নাই মই তাই কত আসিলে হদাই মোর সাইডত মোর ভাবে লিখে কবিতা সাড়ে পাঁচ বজার লগে লগে আমি ঘুরি ফুরু বাইকত দেখা নাই মোর তাই দূরে লাইফত মনোর তাই লৈ যায় अभी चालू हो रहा है। तो अभी तो मोबिल फिल्टर चेंज होगा, वॉल रेसर थोड़ा जाम हो चुका है, वॉल रेसर भी चेंज होगा और कूलेंट भी चेंज होगा। तो
तो देखते हैं प्रोसेस। अभी तो बीमे उठा दिया है तो काम तो अभी चालू होगा, तो इसके बाद टाइम लैप्स आएगा तो देखो। मोबाइल पूरा चला गया, पूरा एकदम ख़राब हो गया मोबाइल। ऑयल फिल्टर भी ड्रेन आउट हो गया, ऑयल फिल्टर भी निकल दिया। कहाँ चल रहा है डलेगा। पूरा प्लेन खराब हो चुका था, पूरा ड्रेन आउट हो गया, तो देखते हैं। जो काम है जो कंप्लीट होने वाला है, तो देखते हैं जब डिलीवरी में होगा तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। अब थोड़ा बैठता हूँ, काम वहाँ पर हो गया है, ट्रेन हो गया है, कूलेंट भी डाल दिया, कूलेंट भी चेंज हो गया, तो देखते हैं। तो गाइस, तो गाड़ी रेडी हो चुका है, ओनली वो एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर नहीं मिला। वो बाद में आने के दादा ने बोला कि बाद में आओ तो हो जाएगा, तो उसके लिए तो बाद में फिर आना होगा। तो ये है KTM सर्विस सेंटर। तो अभी चलते हैं घर, कुछ खाया नहीं, खाना होगा। तो देख सकते हैं वॉशिंग नहीं किया क्योंकि अभी तो बारिश हो चुका है, पूरा फिर से कादा वादा लग जाएगा पूरा। तो यहाँ पर थोड़ा ठहर के आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, तो रुको। तो ये तो जो बिल है, तो देखते हैं। देख सकते हैं मेरा पूरा सर्विस सेंटर जो KTM RC390 का लेबर कॉस्ट है वो 1770 रुपये। इसमें मैं पूरा डिटेल्स बोल देता हूँ। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, उसका प्राइस है 76 रुपीस। इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और मोतुल का ही वो ब्रांड रिकमेंड करता है, वही मोतुल इंजन ऑयल 100% सिंथेटिक चेंज हुआ है, उसका 1437 रुपये। और कौन से चेंज है, जो बॉल रेसर है, बॉल रेसर का जो सेट है, बॉल रेसर चेंज हुआ है, ये जो बॉल रेसर है, बॉल रेसर पूरा चेंज हुआ है, अभी तक ग्रीस पीस लगा है। तो उसका पेट सर्विस का पूरा चार्ज है 180 रुपये, और स्टीयरिंग जो उसका लेबर चार्ज है बॉल रेसर चेंज करने का वो है 590 रुपीज़। तो टोटल है इस 3689 रुपीज़। तो ये पूरा मेरा चार्ज है 3689 रुपये है। तो जैसे देख सकते, तो यही लगा है मेरे को, तो दूसरा कोई सडन चार्ज नहीं है। अभी बाद में जब जाऊंगा
वो एयर फिल्टर और मोबिल फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करने हैं, उस टाइम 1000 रुपये लगेगा। तो वो अभी तक स्टॉक में नहीं है, जब आएगा ऑर्डर कर लिया है, जब स्टॉक में आएगा बोलेगा, फ़ोन करेगा मेरे को। तो यही बात है पूरा सर्विस का, आप लोगों को वीडियो दिखाया कितना कॉस्ट पड़ता है, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ता है, वही दिखाया है। तो कैसा लगा बोलिए ब्लॉग, और टिल देन जो भी अभी तक देख रहे हैं तो स्टे सब्सक्राइब सदन ब्लॉगर। अभी तक जो जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो सदन ब्लॉगर को, और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं नया अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला आएगा। दिस इज़ ऑन साइनिंग ऑफ एंड स्टे वॉचिंग सदन ब्लॉगर, और राइड सेफ एंड वेयर हेलमेट, और क्या बोलो। तो चलिए मिलते हैं दूसरे कोई ब्लॉग में, टिल देन बाय।